बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। क्लास एट, दिस इज़ योर इंग्लिश लेसन, डे वन ऑफ वीक सेवन, एंड आई एम योर टीचर जवीरिया कंवल। इन टुडेज़ लेसन वी आर गोइंग टू रीड अ यूनिट 5। द टाइटल ऑफ द यूनिट इज हेलन केलर। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर मिड टर्म सिलेबस and it is on page number 28 and 29 in your textbooks. Okay students, learning objectives: after this lesson you will learn meanings of some new words, plus you will know about Helen Keller. Who was Helen Keller? Yahan pe main aapko ek chota sa short introduction de dun. Helen Keller jo thi wo ek American khatoon thi jo ki ek writer bhi thi, yani ki author thi। इसके अलावा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट हुए होंगे, बहुत से लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, लेकिन द स्पेशल थिंग अबाउट हेलन केलर वाज दैट कि वो एक ब्लाइंड और डेफ खातून थी, और वो पहली ब्लाइंड और डेफ खातून थी या कोई भी पर्सन थी जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। इस लेसन में हम हेलन केलर के बारे में पढ़ेंगे। Okay students, the title of the unit is Helen Keller. How fortunate are those who are born into this world with two eyes to see all its beauty. Fortunate hum kehte hain khushkismati ko, theek hai? Wo keh rahe hain how fortunate are those, kitne khushkismat hain wo jo ke paida hote hain is duniya mein do aankhon ke saath iski tamam tar khoobsurti ko dekhne ke liye. But there are some unfortunate people, लेकिन वो कह रहे हैं फॉर्चुनेट का मतलब हो गया खुशकिस्मत और अनफॉर्चुनेट का मतलब हो गया बदकिस्मत, ठीक है? लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग हैं who can neither see nor hear, जो कि ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। दिस वर्ल्ड, वो कह रहे हैं ये दुनिया, विच इज सो फुल ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स, जो कि खूबसूरत रंगों से भरी हुई है, एंड स्वीट साउंड्स और मीठी आवाज़ों से, appears colorless and dull to these poor souls. वो कह रहे हैं ये उन बेचारों लोगों को बिल्कुल बेरंग और डल यानी कि फीकी जो है वो लगती है। What a misfortune! वो कह रहे हैं कितनी बदकिस्मती है। They cannot see the lovely flowers blooming in the gardens. वो कह रहे हैं कि वो देख नहीं सकते प्यारे फूलों को। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है, बागों में खिलते हुए। एंड हियर द बर्ड सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, और वो सुन नहीं सकते परिंदों को मीठे नगमे गाते हुए। दे इंडीड फील वेरी सैड, वो यकीनन बहुत उदास महसूस करते होंगे। फॉर देयर फेट इज सो हार्ड, कि उनकी किस्मत इतनी सख्त है या ख़राब है। वर्स इज द फेट ऑफ दोज, वो कह रहे हैं बदतर है उनकी किस्मत। हु कैन सी एंड हियर वंस, जो कि पहले तो सुन और देख सकते हैं, and then no more, और फिर नहीं। but they are so courageous, लेकिन वो इतने बाहिम्मत होते हैं, and bold और बहादुर, that they do not look unhappy, कि वो नाखुश नज़र नहीं आते। they accept the challenge of their fate, वो अपनी किस्मत के इस चैलेंज को कबूल करते हैं, and try to live cheerfully, और खुशी से ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। Among such brave and courageous persons, वो कह रहे हैं इन बहादुर और बाहिम्मत लोगों में the name of Miss Helen Keller tops the list. Miss Helen Keller का नाम सरे फहरिस्त है। Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. Helen Keller जो थी वो 1880 में एक अमरीका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। अप टू द एज ऑफ टू, यानी कि दो बरस की उम्र तक, she was quite a normal child, वो एक आम बच्चा थी, बिल्कुल मतलब नॉर्मल बच्चा थी। she could see and hear everything, वो हर चीज को देख और सुन सकती थी। in February 1882 little Helen fell dangerously ill, फरवरी 1882 में ये जो नन्ही हेलन थी या छोटी सी हेलन थी वो खतरनाक तौर पर बीमार हो गई। all felt sorry for her, हर कोई उनके लिए परेशान था या उदास था, because she became blind and deaf, क्योंकि वो ब्लाइंड, हम ब्लाइंड उन लोगों को कहते हैं जो देख नहीं सकता, एंड डेफ जो सुन नहीं सकता। वो कह रहे हैं क्योंकि वो नाबीना और बहरी हो चुकी थी।
Her parents looked sad. उनके वालदैन उदास नजर आते थे. Everybody was unhappy. हर कोई नाखुश था. And the little child felt miserable. और वो जो नन्ही बच्ची थी वो परेशान महसूस होती थी या वो बेचारगी महसूस करती थी. When she was 7 years old, जब वो 7 बरस की हुई, her life suddenly changed. उनकी लाइफ एकदम से या उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई. Helen's father asked a lady named Miss Sullivan. Helen के फादर ने, हेलन के वालिद ने एक खातून जिनका नाम मिस सुलिवन था से कहा to come कि वो आए and look after his blind child और उनकी नाबीना बच्चे की देखभाल करें. Look after का मतलब होता है देखभाल करना. मिस सुलिवन had herself become blind. मिस सुलिवन जो थी वो बजाते खुद जो थी वो अंधी हो गई थी या नाबीना हो गई थी when she was a child जब वो एक बच्ची थी. But afterwards she got her eyesight back. लेकिन बाद में उनकी निगाह या उनकी जो साइट थी नजर जो थी वो वापस आ गई थी. She thanked God for his kindness. उसने खुदा की मेहरबानी का शुक्रिया जो था to her जो कि उस पे खुदा ने की अदा किया. कैसे किया? By helping other blind people दूसरे नाबीना लोगों की मदद करके and making them happy और उन्हें खुश करके and content और मुतमईन. ठीक है, यानी इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि चूंकि वो नाबीना हो गई थी लेकिन उनकी नज़र वापस आ गई और उन्होंने खुदा की इस मेहरबानी का शुक्रिया दूसरे नाबीना लोगों की मदद करके और उन्हें खुश और मुतमईन करके अदा किया. शी स्टार्टेड टीचिंग हेलन. उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया. वन डे शी टुक हेलन टू द रिवर. एक दिन वो हेलन को दरिया रिवर बैंक बैंक बेटे किनारे को कहते हैं. एक दिन हेलन को दरिया के किनारे पर ले गई एंड पुट हर हैंड इन द वॉटर और उनका हाथ पानी में डाला. स्लोली शी मेड हर राइट द वर्ड वॉटर ऑन द सैंड और आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता जो था उन्होंने उस रेत पर जो था लफ्ज पानी लिखवाया. शी मेड हर डू इट सेवरल टाइम्स. ये अमल जो था उन्होंने कई मर्तबा उससे करवाया. एंड दस हेलन लर्नड इस तरह हेलन जो थी वो सीख गई हाउ टू स्पेल द वर्ड वाटर के लव्स वाटर या पानी जो है वो उसके हिज्जे कैसे करते हैं. शी वाज वेरी एक्साइटेड. वो बहुत खुश थी बिकॉज शी न्यू दैट क्योंकि वो जान गई थी या वो जानती थी एट लास्ट के आखिरकार देर वुड बी सम लाइट कि कुछ रोशनी होगी इन हर डार्क वर्ल्ड उसकी तारीख दुनिया में. दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. आज हम इतना ही रीड करेंगे. नाउ योर असाइनमेंट यू हैव टू रीड दिस यूनिट बाय योर सेल्फ अगैन एंड मेक टाइटल पेज एंड राइट वर्ड्स मीनिंग ऑफ द यूनिट इन योर नोटबुक्स. थैंक यू. See you soon in the next lesson. Allah Hafiz.